अस्सलाम स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, हम नाइन्थ क्लास के बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 दैट इज बायोडाइवर्सिटी हम वो स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है। तो प्रीवियस वीडियो में हमने सिग्निफिकेंस ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर पढ़ा था। आई होप आपको वीडियो अच्छे समझ आ गई होगी। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैं ऊपर आई के बटन पर देती हूँ और वहाँ से आप जो है पिछली वीडियो जो चेक कर सकते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। कंजर्वेशन का क्या मतलब है? कंजर्वेशन का यहाँ पे मतलब आ जाता है बचाना, किसी चीज को कंजर्व करना, किसी चीज को रोक के रखना, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी में हमने ये देखना है कि हम बायो बायो व्हाट इज बायो बायो मीन लाइफ और डाइवर्सिटी क्या होता है। डाइवर्सिटी का मतलब होता है टाइप, मतलब कि हमने इसमें ये देखना है कि हम जो बायोडाइवर्सिटी है हम उसको किस तरह से कंजर्व कर सकते हैं, उसको हम किस तरह से बचा सकते हैं हार्मफुल इफेक्ट से, ठीक है। तो अब अगर हम देखें तो जो हमारे प्रीवियस कुछ सालों से प्रीवियस सेंचुरी से लास्ट सेंचुरी से जो बायोडाइवर्सिटी है उसको बहुत ज़्यादा उस पर फोकस किया जा रहा है। क्यों फोकस किया जा रहा है? क्योंकि जैसे जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज हो रही है, ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, तो इसी तरह से जो दूसरी पॉपुलेशन जैसे एनिमल्स वगैरह है उनकी पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो ये होते हैं बायोडाइवर्सिटी के, अगर हम अपने इसी तरह से हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज होती गई तो क्या होगा, ऐसा ऐसा अब ह्यूमन एनिमल्स की पॉपुलेशन किस तरह से डिक्रीज हो, क्योंकि जैसे ही ह्यूमन्स की पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो उन्हें ज़्यादा जब पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाएगी तो उन्हें रहने के लिए ज़्यादा जगह चाहिए, ज़्यादा खाना चाहिए, ज़्यादा अपने जिंदगी की जरूरत की चीज़ें चाहिए। तो वो क्या करेंगे, वो फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन स्टार्ट कर देंगे, मतलब कि जंगलात की कटाई स्टार्ट कर देंगे। जब जंगलों को काटेंगे, दरख्तों को काटेंगे तो उसमें जो लाइफ है जैसे कि बर्ड्स रहते हैं, इस तरह से जो कुछ फॉरेस्ट एनिमल्स होते हैं वो रहते हैं, वो वहाँ से ख़त्म हो जाएंगे, चले जाएंगे। इसी तरह से जो जंगलों की लकड़ी होती है वो भी ऐसा ऐसा खत्म होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो इससे हमने ये देखना है कि हम बायोडाइवर्सिटी को किस तरह से कंजर्व कर सकते हैं। तो अगर हम इसमें देखें तो हम जब बायोडाइवर्सिटी की कंजर्वेशन को पढ़ते हैं तो हम दो तरह की इसमें स्पीशीज को ऑब्जर्व करते हैं कि बायोडाइवर्सिटी में दो तरह के स्पीशीज को देखते हैं। नंबर वन है हमारे पास एक्सटिंक्ट स्पीशीज। एक्सटिंक्ट स्पीशीज क्या होता है? एक्सटिंक्ट स्पीशीज वो स्पीशीज होते हैं जो अब इस दुनिया में मौजूद नहीं है। जैसे कि सबसे बड़ी एग्जांपल हमारे पास आती है डायनासोर्स की। डायनासोर्स क्या है, वो पहले तो होते थे लेकिन अब उनके सिर्फ स्केलेटन मौजूद है, ठीक है। तो इसकी वजह से कह रहे हैं कि एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, मतलब अभी इस दुनिया में कहीं भी नहीं है, किसी भी मुल्क में किसी भी जगह पे ये प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तब हम एक्सटिंक्ट स्पीशीज की डेफिनेशन पढ़े। इन एन इकोसिस्टम अ स्पीशी इज कॉल्ड एक्सटिंक्ट व्हेन देयर इज नो डाउट दैट द लास्ट इंडिविजुअल ऑफ दैट स्पीशी हैज डाइड इन दैट इकोसिस्टम। जब इसमें कोई भी डाउट ना रहे कि उस स्पीशी का लास्ट जो था इंडिविजुअल वो भी मर चुका है तो हम उसको क्या कहते हैं, एक्सटिंक्ट स्पीशी। हम इसमें एग्जाम्पल लेते हैं डायनासोर्स। ओके ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो आप पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ स्पीशीज, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, इसके आपको एमसीक्यूज भी आ सकते हैं कि आप उस पॉइंट को इनसर्कल करोगे कि वो जो है कौन सी स्पीशीज है जो कि एक्सटिंक्ट हो चुकी है, ठीक है। तो आपने इसको अच्छे से हर पॉइंट ऑफ व्यू से आपने इसको अच्छे से रेडी कर लिया। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद अगर हम देखें व्हेन स्पीशीज ऑफ एन इकोसिस्टम बिकम एक्सटिंक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ द इकोसिस्टम इज हार्म। अब ये देखें जिस तरह मैंने आपको बताया कि एक फॉरेस्ट है, वहाँ पे फॉरेस्ट कम्युनिटी है, वहाँ पे डिफरेंट एनिमल्स डिफरेंट पॉपुलेशन एग्जिस्ट कर रही हैं। तो एक फॉरेस्ट में जब डिफरेंट पॉपुलेशन एग्जिस्ट कर रही होंगी तो जैसे ही उस फॉरेस्ट को की कटिंग स्टार्ट होगी तो वहाँ का इकोसिस्टम जो है वो स्टेबल नहीं रहेगा, वो डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। ये कह रहे हैं कि जब किसी भी इकोसिस्टम में कोई भी स्पीशी एक्सटिंक्ट होती है तो वहाँ का जो इकोसिस्टम है वो भी अनस्टेबल हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। बायोलॉजिस्ट वॉन्ट दैट ग्लोबल इकोसिस्टम वुड कोलैप्स इफ डाइवर्सिटी कंटिन्यूज टू बी रिड्यूस एट सेम रेट। बायोलॉजिस्ट ये कह रहे हैं कि अगर इसी तरह से बायोडाइवर्सिटी डिक्रीज होती गई तो क्या होगा, ग्लोबल इकोसिस्टम जो है वो और डिस्टर्ब हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा, मतलब उसमें कोई भी कंटिन्यूटी नहीं रहेगी, कोई भी उसमें रेगुलेशन नहीं रहेगी, ठीक है। जिस तरह आप देखें कि एक जगह है जहाँ पे लायंस भी रह रहे हैं और डियर भी रह रहे हैं तो क्या करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता लायंस जो है वो डियर्स को खाते रहेंगे। एक टाइम ऐसा आएगा कि वहाँ पे लायंस की पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगी जबकि डियर्स जो है वो आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से खत्म होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर इसी तरह हम एक और इसकी एग्जाम्पल दें, एक ग्रास लैंड है वहाँ पे रोज जो है वो काउज बफलोज आके ग्रेजिंग करती हैं, वहाँ की घास को खा लेती हैं, तो क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, एक दिन ऐसा आएगा कि जब बफलोज का साइज तो या उनके पॉपुलेशन तो इंक्रीज होगी जबकि जो ग्रास है उसकी पॉपुलेशन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे पास एक्सटिंक्ट स्पीशीज कि जब एक जगह पे किसी भी जगह पे जो है कोई भी पॉपुलेशन एग्जिस्ट ना करे, उसका लास्ट इंडिविजुअल जो है वो भी खत्म हो जाए तो उसको हम कहते हैं एक्सटिंक्ट स्पीशीज।
इसके बाद जो दूसरी टाइप ऑफ स्पीशीज दैट इज इनडेंजर स्पीशीज। अब जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है इनडेंजर, इनडेंजर का मतलब होता है कि वो भी खतरे में है, कि वो स्पीशीज जो खतरे में होती है मतलब कि एक्सटिंक्शन के रिस्क पे होती है, वो एक्सटिंक्ट हो सकती है, जिनके एक्सटिंक्ट होने का खतरा हो, उसको हम कहते हैं इनडेंजर स्पीशीज। ठीक है, अ स्पीशीज इज कॉल्ड इनडेंजर व्हेन इट इज एट रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन नियर फ्यूचर। कि जब उसका हमें ये डर हो कि वो फ्यूचर में आहिस्ता आहिस्ता वो एक्सटिंक्ट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, तो हम उस स्पीशीज को कह देते हैं इंडेंजर्ड स्पीशीज। अगर मैं इसमें एग्जांपल है इंडेंजर्ड स्पीशीज की, तो एशियाटिक चीता, लाइन, इंडियन वाइल्ड एस और जो स्वैम डियर है, इसमें वो और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो कि इंडेंजर्ड स्पीशीज में जो है वो काउंट की जाती है। ठीक है, तो यहाँ तक था हमारा आज का टॉपिक। आज हमने एक बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन पढ़ा कि हम बायोडाइवर्सिटी किस तरह से कंजर्व कर सकते हैं, एक्सटेंड स्पीशीज क्या होती है, इंडेंजर स्पीशीज क्या होती है। आपने इसको शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके एमसीक्यूज वीक में भी आ सकते हैं, आपने इसको अच्छे से रेडी कर लेना। ओके स्टूडेंट, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आपको आज की वीडियो की अच्छे समझ आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए। इससे आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में देखने को मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।